हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का अपना टॉपिक है सोडियम पोटेशियम पंप। ठीक है, थोड़ी सी लाइट की समस्या है लेकिन एक्चुअल में आपका कल पेपर है तो फटाफट से क्वालिटी को थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा सर। ठीक है, सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है भाई, चलो थोड़ा समझते हैं। सोडियम का मतलब क्या होता है? Na। सोडियम का मतलब क्या होता है? Na होता है भाई। ठीक है, और पोटेशियम का मतलब क्या होता है? K होता है भाई। ठीक है, तो यानी सोडियम पोटेशियम का रोल क्या है हमारे बॉडी के अंदर, किस तरीके से सोडियम पोटेशियम काम करते हैं आयन, उसकी बात की गई है यहां पे। ठीक है, आपने देखा होगा किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है, लोग कहते हैं नमक मत खाओ। क्यों? Na का एक रोल है। ठीक है, नमक, नमक का फॉर्मूला क्या है यार? NaCl है, यानी उसमें क्या Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो Na पॉजिटिव का एक रोल है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, बहुत सारी चीजें हैं सर। ठीक है, तो सर मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल का मतलब बढ़ाता घटाता इस पर डिपेंड करता है। तो ये एक एक्टिव प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कंज्यूम होती है। सोडियम पोटेशियम पंप में Na पॉजिटिव आयन लगातार सेल के अंदर की ओर पंप किए जाते हैं, जबकि पोटेशियम आयन सेल से बाहर की ओर लाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके का कुछ सिनेरियो होता है। जरा देखिए, यह देखिए, ये सोडियम आयन है 15, इनकी जो अंदर की तरफ है वो कम है, 144 जो है वो बाहर की तरफ इनका इंतजाम है। ये के पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन है 5 से 150 की तरफ, और क्लोराइड आयन जो 111 से 73 है। ठीक है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है भाई? कोशिका भित्ति होती है, सरल भाषा में कहते हैं कोशिका की झिल्ली होती है। तो ये पूरी सेल मेम्ब्रेन है, और इसके अंदर क्या भरा होगा? कोशिका द्रव्य, जिसे हम लोग कहेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। तो जिसे हम लोग कहेंगे इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, ठीक है भाई। और जो बाहर वाला है ये सब बाहर, ये क्या कहलाएगा? एक्स्ट्रासेल्यूलर, यानी बाहर वाला क्या कहलाता है? एक्स्ट्रा, और अंदर वाला क्या कहलाएगा? इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड। ये कौन सी ब्लड सेल है? ह्यूमन रेड ब्लड सेल है। सबको पता है हमारे खून में आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लाज्मा। तो यानी कुल मिलाकर ये आरबीसी है, रेड ब्लड सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बाकी सोडियम पोटेशियम पंप एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो सेल मेम्ब्रेन को पूरी सरफेस पर फैला होता है, निम्न प्रकार से सहायक है। नंबर एक क्या हो गया? बॉडी में जो फ्लूइड है या सेल का जो साइज है उस सबको मेंटेन करना इसका काम है। ठीक है, जितने भी हम लोगों के बने हुए ऑस्मोरेगुलेशन है या जो भी चीजें चल रही है, सरल भाषा में जो बॉडी का फ्लूइड है यार शरीर के अंदर, उसमें जितनी भी कोशिका है उनका साइज मेंटेन करना है। जो नर्व सिस्टम है, नसें हैं, ठीक, मांसपेशियां हैं, मसल्स हैं, इन सब में क्या इलेक्ट्रिकल इंपल्स को बनाए रखता है। साथ ही साथ ये सेल वॉल के द्वारा अन्य सब्सटेंसेस जैसे ग्लूकोज हो गया, एमिनो एसिड हो गया है, ईटीसी के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में सहायक होता है। ठीक है, यानी इन सब का ट्रांसपोर्टेशन भी ये करता है। तो ये भी एक अच्छा टॉपिक है, पेपर में आपको मिल सकता है सोडियम पोटेशियम पंप क्या होता है। 3 नंबर की जुगाड़ ये बन सकती है, तो आप इसे भी पेपर में पढ़ के जरूर जाएं। ठीक है भाई, बाकी बहुत सारी चीजें, ये जितनी भी पीडीएफ है ये सब आपको मिल जाएंगी टेलीग्राम बीडी केडीएन बीएससी पे, जाइए देख डालिए। ठीक है, हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।